नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश की ओर से डॉक्टर राम आशीष सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश लगातार NPS का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में पेंशन पुरुष सहित डॉक्टर राम आशीष सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि पर दिनांक 7/12/2020 को यूटेक टीचर्स एम्प्लॉय कमेटी यूटेक की ओर से प्रदेश के 18 मंडल में माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के नाम पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस अवसर पर सार्वजनिक संस्थाओं पर जहां पर कि डॉक्टर राम आशीष जी की प्रतिमा पाए वहां पर जो है पुष्प अर्पित करते हुए व कैंडल मार्च लगाकर श्रद्धांजलि दी गई। पूरे प्रदेश में पेंशन विहीन शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूटेक ने अपने तमाम सहयोगी संगठनों व समर्थन देने वाले शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों का यहाँ पर आभार व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष यूटेक पेंशन उत्तर प्रदेश के प्रदीप सरल जी ने बताया कि हम अपनी मातृशक्तियों के जज्बे को नमन करते हैं और मातृशक्तियों को इसमें जो है बढ़ चढ़कर आगे और हिस्सा लेने की ज़रूरत है। NPS की कमियों व दुष्परिणाम से सरकार को अवगत कराते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी संगठनों को एक साथ मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। यूटेक कर्मचारी एकता को दृढ़ करने के लिए संकल्पित है। यूटेक पेंशन बहाली मंच उत्तर प्रदेश आपके हक के लिए ईमानदारी से कार्य करने के लिए नियत और नीति के साथ सड़क, सदन और कोर्ट तक लड़ने को तैयार है। कल के सफल कार्यक्रम के लिए प्रदीप सरल जी की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल पदाधिकारियों, जनपद पदाधिकारियों, जिला संयोजक सभी का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि जल्द ही पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए बहाल होगी। तो दोस्तों, यही वीडियो, ये जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और डॉक्टर राम आशीष सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की शांति के लिए दो शब्द जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।